आज हम लोग पढ़ेंगे जी फैटी एसिड। फैटी एसिड के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। इधर है फैटी एसिड की सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसकी अकरेंस, इवन एंड ऑड फैटी एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखेंगे, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड, फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स को हम लोग देखेंगे। इसी के अंदर ओमेगा कार्बन भी हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स, ठीक है, शॉर्ट चेन, मिडिन और लॉन्ग चेन। सबसे पहले आते हैं जी फैटी एसिड क्या चीज है। याद रखिएगा, दीज आर द सिंपलेस्ट लिपिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स आर सिंपलेस्ट लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स, ठीक है। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स कॉल्ड फैटी एसिड। मैं बताता हूं जी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, देखें कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इधर ओ एच। अब इसके साथ आगे हम जितने भी कार्बन की चेन्स बनाते जाएं, तो ये हमारे पास है जी फैटी एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर। फैटी एसिड की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था आपको, हम लोग क्या देखेंगे जी, इसकी अकरेंस, कि फैटी एसिड्स किस फॉर्म में हमारे पास पाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्टली फैटी एसिड्स आर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एस्टरीफाइड फॉर्म, ठीक है। फैटी एसिड्स अकर्स इन फॉर्म ऑफ एस्टरीफाइड। ये एस्टरीफाइड क्या चीज है, वो प्रोडक्ट जो बाय द प्रोसेस ऑफ एस्टरीफिकेशन बनता है। एस्टरीफिकेशन का क्या प्रोसेस है, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड, वो जो रिएक्शन है उसको एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको एस्टरीफाइड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ज्यादातर फैटी एसिड किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एस्टरीफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ फैटी एसिड्स फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं जो अनएस्टरीफाइड होते हैं। सम फैटी एसिड्स आर अनएस्टरीफाइड, जिसको फ्री फैटी एसिड भी कहते हैं, फैटी एसिड। अच्छा, अब इसके बाद एक और मजे की बात, फैटी एसिड को हम लोग एनिमल ओरिजिन से भी ले सकते हैं और प्लांट ओरिजिन से भी ले सकते हैं। बात क्लिक कर दी यहां तक। लेकिन जो फैटी एसिड हमें एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं, दे आर मोर सिंपलर देन दोस फैटी एसिड विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लांट। पॉइंट जी, फैटी एसिड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम एनिमल्स आर मोर सिंपलर देन ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लांट्स। एक और मजे की बात, जो फैटी एसिड्स प्लांट से हमें मिलते हैं उसके अंदर हमें एडिशनल ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है, लाइक ईप ऑक्सी ग्रुप, कीटो हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप, साइक्लोपेंटेन ग्रुप्स, ये पाए जाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स विच आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लांट्स कंटेन ग्रुप्स, एडिशनल ग्रुप्स सच एज, ठीक है, सच एज ईपॉक्सी, कीटो हाइड्रोऑक्सी और साइक्लोपेंटेन ग्रुप, ठीक है। ये इसकी अकरेंस है जी, फैटी एसिड इन फॉर्म में हमारे पास पाया जाता है। इसके बाद जी इवन एंड ऑड फैटी एसिड्स को देखते हैं, ठीक है जी। इवन एंड ऑड फैटी एसिड्स, याद रखिएगा, मोस्टली फैटी एसिड्स पाए जाते हैं इवन फॉर्म में, ठीक है। ये ऑड और इवन क्या चीज है, ये कार्बन नंबरिंग है, ठीक है, इतने कार्बन नंबर्स इसमें पाए जाते हैं।
इवन कार्बन नंबर के फैटी एसिड हमारे पास ज्यादा होते हैं, ठीक है। मोस्टली फैटी एसिड्स आर इवन इन नंबर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं जी, जैसे हमारे पास पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड, इसके अंदर 16 कार्बन पाए जाते हैं, ये इवन फैटी एसिड है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा स्टीरिक एसिड्स, स्टीरिक एसिड जिसके अंदर 18 कार्बन पाई जाती हैं। अच्छा जी, अभी ऑड फैटी एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स ऑड इन नंबर ऑफ कार्बन होती हैं, ऑड फैटी एसिड्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन और वैलेरिक एसिड्स विच आर 5 कार्बन इन नेचर। ये जी हमने यहां तक इवन एंड ऑड फैटी एसिड भी कर लिए। अभी हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जल्दी से इधर आइएगा जी। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, नाम से जाहिर है जी, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड जो होते हैं दे कंटेन डबल बॉन्ड, सिंपल, दे कंटेन डबल बॉन्ड। फिर इसमें आगे टाइप आ जाती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो इसी आज वाले लेक्चर के अंदर ही हम लोग करेंगे। बस इस हेडिंग के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आप लोग ये याद रख लें। नीचे आए जी, ये चीज भी हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब करते हैं जी नॉमेनक्लेचर, इसको गौर से सुनिएगा। नॉमेनक्लेचर के अंदर पहले हम लोग सफिक्स देखते हैं कि सफिक्स कौन किस बेस पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले सफिक्स जो एंड वाली जो वर्डिंग होती है, सिंपल है जी, ये भी जो सैचुरेटेड वाली होगी ना, जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ठीक है, उसकी एंड वाली जो वर्डिंग होगी वो किस पे खत्म होगी, अनोइक एसिड, ठीक है, अनोइक एसिड। यहां मैं एग्जांपल अगर लिख लूं, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, एक कार्बन दूसरा, ये 1, 2, 3 है, प्रोपानोइक एसिड ये हो जाएगा। ये मैंने क्या बना दिया जी, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, अनोइक आ गया ना आखिर में, देखें प्रोपानोइक एसिड, तो ये सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं है। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड होगा जी, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उनका जो सफिक्स होगा वो इनोइक एसिड पे खत्म होगा, इनोइक एसिड, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी इसी तरह, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड लगा दे तो प्रोपिनोइक एसिड हो जाएगा। ये तो सफिक्स है। अब जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन की नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। अच्छा जी, इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक हेप्टानोइक एसिड में बना देता हूं, 7 कार्बन की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इधर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया जी, ठीक है। यहां देखिएगा जी, जो नंबरिंग होगी 1, 2, 3 वो हम फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे टुवर्ड्स टर्मिनल, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कार्बन की हमने नंबरिंग की। अब इसके अंदर मजे की एक और चीज, अकॉर्डिंग टू जो अल्फा बीटा गैमा कार्बन है वो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन के साथ जो कार्बन होगा उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन,
और इसी तरह गेमा कार्बन। अब आइए जी यहां देखें, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये ओमेगा का क्या चक्कर है आप लोग बोलोगे? ओमेगा कार्बन किसे कहते हैं? ये बहुत जरूरी है जी। ओमेगा कार्बन क्या होता है? अच्छा, एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, कंफ्यूज नहीं होना। ओमेगा कार्बन अलग चीज है और ओमेगा फैटी एसिड अलग चीज है। ओमेगा 3 कार्बन अलग चीज है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अलग चीज है, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। देखते जाइए जी, ओमेगा कार्बन किसे कहते हैं? ठीक है, द कार्बन एट द टर्मिनल रीजन इन द स्ट्रक्चर विच कंटेन मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड ओमेगा कार्बन। ठीक है, कार्बन एट टर्मिनल पोजीशन, ये देखें टर्मिनल पोजीशन इसकी किधर है? ये वाली है, कार्बन एट टर्मिनल पोजीशन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप कॉल्ड ओमेगा कार्बन। ठीक है, तो अब ओमेगा वन कौन सा होगा इधर, जो टर्मिनल रीजन पे जो भी कार्बन हो। और अगर मैं ऑक्टेनोइक एसिड बनाता तो 10 कार्बन होता है, जो 10वां टर्मिनल कार्बन था होता वो हमारे पास ओमेगा कार्बन होता। ठीक है, अब इसके अंदर ओमेगा कार्बन ये वाला है, ये फर्स्ट ओमेगा कार्बन है, ये सेकंड ओमेगा कार्बन है, थर्ड ओमेगा कार्बन है, फोर्थ ओमेगा कार्बन, ये फिफ्थ ओमेगा कार्बन, ये सिक्स्थ ओमेगा कार्बन और ये सेवंथ ओमेगा कार्बन। ओमेगा कार्बन की समझ आ गई जी? ठीक है, अब इसी के अंदर इधर आइए जी, देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स को चेक करते हैं। आइए जी, ठीक है, पहला मैंने क्या बताया जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये पहले एक 3 फैटी एसिड समझाऊंगा, 6 और 9 इजीली आप लोग समझ जाओगे। ओमेगा फैटी एसिड किसे कहते हैं पहले हम लोग ये चेक करते हैं। याद रखिएगा, ओमेगा फैटी एसिड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, विच कंटेन्स डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन। ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड्स वो फैटी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इसका जो डबल बॉन्ड है ये टर्मिनल कार्बन से अवे हम लोग लेते हैं, क्योंकि ओमेगा कार्बन जो है वो टर्मिनल कार्बन में, मैंने बताया था ना आपको, शुरू होता है यहां से। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या चीज है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेफिनेशन लिखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए भाई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड अब यहां पे देखिएगा, विच कंटेन डबल बॉन्ड 3 एटम्स अवे फ्रॉम टर्मिनल कार्बन कॉल्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड। बात क्लिक की आपने मेरी? ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होगा? वही ओमेगा कार्बन जो है, ओमेगा कार्बन से जो 3 कार्बन्स हैं उसके बाद डबल बॉन्ड पाया जाएगा। मैं यहां इसकी एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है, डीकानियोइक एसिड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक इधर 10वां बना देते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना फुट को। ये जी हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड OH। ठीक है, अच्छा ये जी ओमेगा 1, अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो आखिर के जो 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, 2 और 3, इसके बाद किसी जगह डबल बॉन्ड अगर पाया जाए, ऐसे फैटी एसिड्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। टर्मिनल कार्बन से पहले 3 जो कार्बन एटम्स में, उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। बस इसके अंदर यही एक कंसेप्चुअल चीज थी, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं जी, लीनो लीनिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब आ गया ये जी ओमेगा 6 फैटी एसिड, क्लियर हो गया होगा आपको ओमेगा 6 फैटी एसिड क्या होगा। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय डबल बॉन्ड।
सिक्स एटम्स अवे फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम. इसके अंदर जो सिक्स कार्बन एटम्स होगा, एक दो तीन चार पांच छह, इसके बाद डबल बॉन्ड पाया जाएगा. ऐसे फैटी एसिड्स को ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल लिनोलिक एसिड, ये एक है और ये लिनोलिनिक है. ठीक है, कंफ्यूज इसके अंदर खुद को फिर नहीं करना. और दूसरा एराकिडोनिक एसिड, डोनिक एसिड. इसी तरह जो ओमेगा नाइन है, ओमेगा नाइन फैटी एसिड्स, उसकी एग्जांपल हमारे पास ओलिक एसिड. ठीक है, तो ये ओमेगा फैटी एसिड्स का कॉन्सेप्ट था. अब इधर आइए जी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं. अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड्स. ठीक है, आखिरी चीज क्या देखनी है जी हमने, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन साइड चेन. तीन तरह की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी जी. शॉर्ट चेन पहली, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. दूसरी वहां से देखिए मैंने आपको बताया था मीडियम चेन फैटी एसिड, और आखिरी जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड. शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं जी, इन विच लेस देन सिक्स कार्बन एटम्स, लेस देन सिक्स कार्बन एटम्स हो उसको हम कहते हैं जी शॉर्ट चेन फैटी एसिड. मीडियम चेन एट 8 to 14 कार्बन एटम्स जिसके अंदर पाया जाए वो हमारे पास मीडियम चेन हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड होते हैं, और लॉन्ग चेन 16 to 24 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स. तो यहां पर हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ जी. तो आज हमने क्या क्या चीजें की, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं. फैटी एसिड्स की डेफिनेशन हमने देखी, फिर उसकी ऑकरेंस देखी, फिर इवन एंड ऑड फैटी एसिड, फिर ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखा, फिर नॉमनक्लेचर सफिक्स की कैसे करनी है, कार्बन एटम की नंबरिंग कैसे देनी है, ओमेगा थ्री कार्बन कहते कैसे हैं, ओमेगा कार्बन कैसे कहते हैं, फिर ओमेगा फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फिर ओमेगा थ्री सिक्स नाइन फैटी एसिड्स क्या होती है, इनकी एग्जांपल्स, और आखिर में क्लासिफिकेशन देखी हमने अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन साइड चेन. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.